तुर्यकान स्वप्न निंद्रा शून्यत्व विश्व और तेजस ये स्वप्न और निंद्रा से युक्त है तथा प्राज्ञ स्वप्न रहित निंद्रा से युक्त है। किंतु निश्चित पुरुष तुर्य में न निंद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही। रज्जु में सर्प ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है तथा तत्व के अप्रतिबोध रूप तम को निंद्रा कहते हैं। उन स्वप्न और निंद्रा से विश्व और तेजस युक्त हैं अतः वे कार्य कारणबद्ध कहे गए हैं। किंतु उपराग्य तो स्वप्ररहित केवल निंद्रा से ही युक्त हैं इसलिए उसे कारणबद्ध कहा गया है। निश्चित यानी ब्रह्म वेता लोग तुरीय में ये दोनों ही बातें नहीं देखते क्योंकि सूर्य में अंधकार के समान वे उससे विरुद्ध हैं अतः तुरीय कार्य कारण कारण से बंधा हुआ नहीं है ऐसा कहा गया है। अब ये बतलाया जाता है कि मनुष्य तुरीय में कब निश्चित होता है। अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्व को न जानने से निंद्रा आती निंद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। रज्जु में सर्प ग्रहण के समान स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में तत्व के अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है तथा तत्व के न जानने से निंद्रा होती है तो जो तीनों अवस्थाओं में तुल्य है इस प्रकार स्वप्न और निंद्रा में तुल्य होने के कारण विश्व और तेजस की एक राशि है। उनमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निंद्रा गौण है अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न स्वप्ररूप विपरीत ज्ञान रहता है। किंतु तुरीय स्थान मतलब सुषुप्ति में केवल तत्वाग्रहण रूप निंद्रा ही विपयास है अतः उन कार्य कारण रूप स्थानों के ग्रह अन्यथा ग्रहण और तत्वाग्रहण रूप विपर्यासों का परमार्थ तत्व के बोध से क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। तब उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से पुरुष तुरीय में निश्चित हो जाता है ऐसा उसका तात्पर्य है।